आज भाई भाई से अनबन है, दुश्मनी। अरे जनाजों में नहीं जाते, जनाजों में नहीं जाते। कितने कहते हैं मौल साहब भाइयों में कुछ नहीं होता, बीवियां आती है ना तब जाकर ये सब मामला बिगड़ता है। कच्चे कान वाले क्यों बनते हो तुम? अपना रिश्ता मजबूत रखो भाई। तो बहुत दूर की बात है, अब तो मां नहीं संभली जाती। शादी हुई कहां हुई? कितने महीने हुए? 3 महीने। क्या कर रहा है? अलग रह रहा हूं। जैसे तारा चांद पे गया हो, तारा तोड़ के आया हो, अलग रह रहा हूं। 3 महीने हुए, 4 महीने अलग रह रहा हूं। 25 साल का मां बाप ने किया, ये को 25 दिन नहीं संभाल सकते। एक यहूदी और मुनाफिक का झगड़ा हुआ था, जो खुतबे में मैंने आयत पढ़ी उसका शान नुजुल सुनाता हूं, बस बात खत्म करूंगा। एक यहूदी और मुनाफिक का झगड़ा हुआ था, तो मुनाफिक जो होता है, मुनाफिक वो सामने कहता है मैं मुसलमान हूं, लेकिन दिल में निफाक कुफ्र छुपा हुआ होता है। और मुनाफिक की सजा काफिर से भी ज्यादा है। इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल असफली मिनन नार, जहन्नम की सबसे निचली वाली कैटेगरी में मुनाफिक को डाला जाएगा। हमारे और जहन्नम कितनी गहरी बनाई, हमारे नबी एक दफा तशरीफ फरमाते और जोर की आवाज आई, तो सहाबाए किराम से पूछा जानते हो ये आवाज क्या है? कहा नहीं जानते। कहा 40 साल पहले जहन्नम में पत्थर फेंका गया था, आज वो नीचे पहुंचा है, ये उसके गिरने की आवाज है। जब दोनों में झगड़ा हुआ तो वो यहूदी कहने लगा इस मुकदमे का फैसला आपके नबी करेंगे, क्योंकि यहूदियों को भी भरोसा था ये वो दरबार है जहां कभी ना इंसाफी नहीं होती। जब हमारे नबी के दरबार में लाए गए दोनों को, दोनों ने अपने अपने दलाइल दिए, वो यहूदी हक पर था, हमारे नबी ने यहूदी के हक में फैसला सुना दिया। मुनाफिक को आग लग गई, उसने कहा मुझे इस फैसले से इत्मीनान नहीं है। अल्लाह वो गनी जो एक फैसले का इनकार कर दे वो मुनाफिक बन जाए। आज का मुसलमान हजारों फैसलों को ठुकराता है, नमाज के फैसले को नहीं मानता, रोजे के फैसले को नहीं मानता, जकात के फैसले को नहीं मानता, कुर्बानी के फैसले को नहीं मानता, सूदी कारोबार करने से मना किया नहीं मानता, शराब नोशी से सट्टा खेलने से मना किया नहीं मानता, माँ बाप का गरेबान चाक करने से मना किया नहीं मानता, मस्जिदों मेहराब की बेहुरमती करने से मना किया नहीं मानता। जो एक फैसले का इनकार कर दे वो मुनाफिक बन गया। आज का मुसलमान एक नहीं हजारों फैसलों का इनकार करता है, रात को भी ठुकराता है, दिन को भी ठुकराता है, सुबह को भी नहीं मानता, शाम को भी नहीं मानता, लेन देन की सफाई को भी नहीं मानता, कुरान भी नहीं मानता, हदीस पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी नजरअंदाज कर देता है। एक फैसले का इनकार करने वाला मुनाफिक बन गया, हजारों फैसलों को ठुकराने वाला कैसे मुसलमान कहलाएगा? कितने फैसलों को ठुकराते रोजाना? वो कहने लगा मुझे इस फैसले से इत्मीनान नहीं। कहा कौन फैसला करेगा? यहूदी से पूछ रहा है, यहूदी पूछ रहा है। कहा उमर करेंगे। उमर कहा उमर कहा उमर अपने नबी का फैसला मोड़ देगा? उमर अपने नबी के फैसले को मुस्तरद कर देगा? कहा सबकी अलग अलग राय होती है, चलो जाने में क्या क्या बात, तू क्यों घबराता है, जाने में क्या होता है, सबकी अलग अलग राय होती है। दोनों पहुंचे फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के दरबार में। फारूक आजम रदी अल्लाह, ये यहूदी है ना बड़े श्याने होते, वो कल भी श्याने थे आज भी श्याने, मुसलमान बड़े भोले भाले होते हैं। हालांकि मिश्कात ने ला युल्लगुल मुमिन मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, मुसलमान कभी एक सुराख से 2 मर्तबा नहीं डसा जाता, ये हजारों दफा डसा जाता है फिर भी अकल ठिकाने नहीं आती। यहूदी ने कहा पहले तू सुना दे तेरे दलाइल। उसने सारे दलाइल सुना दिए, फिर यहूदी की बारी आई। बड़े शाने होते हैं, पहले उसको कह दिया, मौका दे दिया, फिर ये जब यहूदी की बारी आई तो यहूदी कहने लगा आप जो फैसला करो मुझे मंजूर है, एक बात कहूंगा। कहा क्या? कहा इस मुकदमे का फैसला मेरे हक में तुम्हारा नबी कर चुका है,
जब इतना सुना तो उमर रदी अल्लाह तआला को आग लग गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। कांट हो गया है फैसला, मुनाफिक कहने लगा हो गया है, लेकिन आप जानते अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, इसलिए हम आपके पास आ गए। कहां ठहरो, अंदर तशरीफ ले गए। वो सोचने लगा कागज कलम लेने गए होंगे, लिख कर देंगे। नंगी तलवार लेकर आए और मारी जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ी। हा कदा अकजी लिमन लम यरज़ब कदा इल्लाही व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को राजी ना हो। उमर इसका फैसला ऐसे ही करता है। अब तो वो जाहिर में कलमा पढ़ता था तो और ये एक दो नहीं होते, मुनाफिक के टोले होते। एहतजाजी जुलूस निकाला इन्होंने कि उमर ने मावराए अदालत एक आदमी को, मुसलमान को कत्ल कर दिया, हमें इंसाफ चाहिए, उमर को हमारे हवाले करो, हम किसास लेंगे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में सारे मुनाफिक पहुंच गए, किसास का मुतालबा किया। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा उमर कौन गवाह है? कहा गवाह मैं था, ये था, पर ये मुनाफिक मुनाफिक था, यहूदी और मैं, तीन चौथा तो कोई था नहीं। तो फिर उछलने कूदने लगे, देखो कोई गवाह भी नहीं, इसका मतलब इसने, मैं काम मना करता हूँ, मैं नहीं तो मारा है, लेकिन जो मेरे नबी के फैसले को नहीं मानता, मेरी नजर में उसका यही फैसला था, मैंने कर लिया। तो हुजूर भी सोच में पड़ गए कि अब क्या फैसला किया जाए। अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेज दिया। आवाज आई जिब्रील, कहा जी रब्बे जलील, कहा जाओ जल्दी जाओ, मेरा फारूक घबरा न जाए, मेरा फारूक परेशान न हो जाए, दिल में कहीं इस तेरा बेचैनी ना जाए। फला वा रब्बिका ला युमिनून, अल्लाह फरमाता है ओ मेरे नबी, मुझे तेरा रब होने की कसम, तेरे खालिक होने की कसम, तेरा मालिक होने की कसम, तेरा मुश्किल कुशा होने की कसम, तेरा हाजत रवा होने की कसम। फला वा रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्म ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़यता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे हबीब, मुझे तेरा रब होने की कसम, जो तेरे फैसले पर राजी ना हो जाए, जो तेरे फैसले पर जिसके दिल में धड़का लगा रहे, खटका लगा रहे, मेरी नजर में वो कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। उमर ने मुनाफिक को, मुसलमान को नहीं मारा, उमर ने मुनाफिक को मारा है और इसकी कोई सजा नहीं। ताईद में अल्लाह ने क्या उतारा, बोलो जोर से, कुरान। और तकवा कैसा था, परहेजगारी कैसी थी। अबू मूसा अशअरी वजीरे खजाना थे। अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला नु वजीरे बैतुल माल में जितना माल होता था ना, वो उनकी हिफाजत में रहता था। झाड़ू दे रहे थे, एक चवन्नी मिल गई अबू मूसा अशअरी को। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला नु का पोता वहां खेल रहा है, बुलाया, इधर आ। कहाँ क्या हुआ चचा? कहा ले ये कुछ चॉकलेट वॉकलेट खा लेना। चवन्नी दे दी, दिरहम का एक सिक्का। अब बच्चों की आमतौर पे आदत होती है चीजें मुंह में डालने की। वो आ गया दादा के पास, दादा ने कहा सलाम वालेकुम, वो जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि मुंह में वो चवन्नी थी। तो कहा बेटा मुंह में क्या है, तो निकाली चवन्नी दे दी। किसने दी? कहा चचा अबू मूसा अशअरी ने। कहा बुला के लाओ। बुला के लाया गया। कहां से लाए? कहा झाड़ू दे रहा था, चवन्नी मिल गई, दे दी इसको, बिस्किट खा लेगा। कहा मेरा दुर्रा लाओ, आज मार मार के तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, ये तो उम्मत का माल है, वक्फ का माल है, तुम्हारी जुरात कैसे हुई मेरे भतीजे के पेट में हराम का लुकमा डालने की? आज तो झाड़ू देने को कौन है तो सबसे पहले बख्शे ही चले जाए, इसलिए तो वो मस्जिद की लीला पेटी में ताला लगता है। मस्जिद की लेटरिन में जूते होते हैं, वो भी आधे आगे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। हमारी मस्जिद की लेटरिन के जूते महफूज नहीं, एक लोग कहते हैं दीन महफूज कैसे होगा। कब्रस्तान का नहीं छोड़ते, वक्फ का नहीं छोड़ते, बस आता है हल में मस्जिद हजम करते चले जाते। अबू दरदा रदी अल्लाह तआला नु फजर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते थे, लेकिन दुआ में नहीं बैठते थे, जो ही हुजूर सलाम फेरते फौरन चले जाते थे। एक दफा हुजूर ने तीन चार मरतबा इस तरह का अंदाज देखा, बुलाया अबू दरदा क्या बात है दुआ में नहीं बैठते? कहा मजबूरी है।
कहा क्या मजबूरी है? कहा मेरे हमसाये के बाड़े में खजूर का एक बड़ा दरख्त है जिसकी कुछ टहनियां मेरे बाड़े में झुकी हुई है। जब सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवाएं मदीना पाक को सलामी पेश करने के लिए आती है तो हवाओं के थपेड़े की वजह से दोष में खजूर के कुछ दाने टूट कर मेरे बाड़े में गिर जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, उठाता हूँ, पड़ोसी के बाड़े में फेंक देता हूँ, डरता हूँ दुआ में बैठ जाऊंगा मेरा कोई बच्चा उठ के कोई दाना ना चबा ले। यहाँ तो गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखे, माशाल्लाह दो डंडे उठा के ले आया। जहां हौसला शिकनी करनी चाहिए वहां हौसला अफजाई कर रहे। ये बच्चों को बिगाड़ रहे माँ बाप, ये बिगड़ने पड़ोसी के घर तो जाते नहीं, कहां से बिगड़ता है बच्चा? घर से तो बिगड़ता है। तुम घर से तेज बन जाओ, देखो बच्चा सुधर जाएगा। 9 बजे अगर आया ना, 9 बजे के बाद चल मस्जिद में सो जाने का, यानी फिर इमाम साहब कह दो कि सोलाओ नहीं इसको यहाँ। 2 बजे आते माँ पहले से फोन करके कह देती है, चाबी सीढ़ी पे रखी है, खोल के सो जाना। बाप को ये कहना चाहे 10 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं, 10 बजे के बाद आए घर में ताला लग जाएगा, तू जाए मर्जी जहां चाहे सो जा, प्लेटफॉर्म पे सो जाना। कौन बिगाड़ता है बच्चों को? माँ बाप बिगाड़ते। अगर बच्चे बेदीन बन रहे हैं तो कसूर बच्चों का नहीं, कसूर थोड़ा हमारा भी है। अगर ये बड़े हो गए ना, इन्हें कहा ना कि सूरह फातिहा सुनाओ, ना आएगी ना तो सबसे पहले गाली बाप को देगा कि मेरे अपने कभी मकतब में भेजा ही नहीं। बच्चियों को अच्छी तालीम दो। कितनी बच्चियां भाग रही है। अभी एक इलाके में गया था, नाम नहीं लेता, वो कह रहे मौलाना 3 महीने में 23 लड़कियां यहां से काफिरों के पास चली गई। 23 लड़कियां 3 महीने में, रोजाना इर्तिदाद की शिकार होती है, मुसलमान की दहलीज छोड़ के कुफर का दरवाजा खिटखिटाती है। आखिरी बात, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब फजर की नमाज का वक्त हुआ, फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, वो एक मजूसी छुपा हुआ था ना जहर आलूद खंजर लेकर, अबू लुलू मजूसी, उसको मौका मिला, उसने फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु पर 3 वार किए। क्या ख्याल है तुम्हारा, नमाज तोड़ दी थी? नहीं, और वो किसी साहबी ने नमाज नहीं तोड़ी, वो निकलते निकलते 13 साहबा को जख्मी करते गया। नमाजें उन लोगों की थी, आज हमारी नमाजें देखो मक्खी नमाज नहीं पढ़ने देती, कैफियत बदल जाती है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु पर इस जख्म का बड़ा असर हुआ, 3 दिन शदीद बीमार रहे, बेहोश आता है कभी बेहोशी तारी हो जाती है, कभी होश आता है कभी बेहोशी तारी हो जाती है। अपने बेटे अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, कहा ओ मेरे लख्ती जिगर, आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में चला जा, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर ले, अपील कर ले, मेरी तरफ से खैरात मांग ले। कहा अब्बा जान क्या आपकी पेशकश है? फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मेरे लखते जिगर, आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास चला जा और जाकर कह देना रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, एक कब्र अबू बकर सिद्दीक की है, एक जगह खाली पड़ी हुई है, मेरा अब्बा चाहता है हुजूर की संगत में सो जाए। आयशा रदी अल्लाह तआला ना फरमाने लगी ये तो मैंने अपने लिए छोड़ी है, मैं चाह रही हूँ मैं मेरे नबी की बगल में सो जाऊं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे नबी ने तेरे अब्बा को झोली फैला फैला कर मांगा है, तेरे अब्बा की पेशकश को मुस्तरद करते मुझे शर्म आती है, जा तेरे अब्बा को जाके बशारत दे दे आज के बाद आपके अलावा इस मैकरोज़ ए रसूल के अंदर अब दूसरा कोई नहीं सो सकता। फिर बुलाया, जब अब्दुल्ला इब्ने उमर पास आए, कहा बोलना नहीं कुछ, कहा क्यों? कहा मुझे पहले उठाओ, उठाया अदब से बैठे, कहा बोल अब क्या पैगाम है? कहा अब्बा क्या बात है? कहा लेटे लेटे आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जवाब सुनना बेअदबी समझता हूं। फिर क्या कहा? अगर मेरा इंतकाल हो जाए, कफन दफन गुसल से फारिग हो जाओ, जनाजा पढ़ लो, एक दफा मेरे जनाजे मेरी मैयत को आयशा की दहलीज पर ले जाना,
दोबारा फिर इजाजत मांगना, कोई ये न कहे हुकूमत का दबाव डालकर ये जगह हासिल कर ली होंगी। दोबारा जगह मांगना, अगर दे तो वहां दफन करना, वहां जन्नतुल वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अम्मी आयशा ने उस वक्त भी इजाजत दी थी, बाद में भी इजाजत दी, और आज और कयामत की सुबह तक उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने रोजे रसूल में मेरे नबी की संगत में सोते रहेंगे। चौथी जगह भी खाली है, किसके लिए बोलो बोलो बोलो? हजरत अली ईसा अलैहि सलातु सलाम की। ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे ना, फिर वो नबी बन के ना आएंगे, उम्मती बन के आएंगे। और एक बात, आयशा रदी अल्लाह तआला ना उमर फारूक के इंतकाल दफन हो जाने के बाद कभी भी रोजे के अंदर नहीं गई। पूछा क्यों? कहा पहले तो मेरा अब्बा था, पहले तो मेरा नबी था, फिर मेरा अब्बा आ गया, लेकिन अब वो जो आया है ना वो बड़ा गैरत वाला आदमी है, वहां अंदर जाते अब मेरी गैरत इजाजत नहीं देती। अब आज देख लो माहौल कब्रों पे क्या चल रहा है, क्या बदमाशी हो रही है, या कब्रस्तानों में गेम खेलते, ताश खेलते, सट्टे खेलते, जहां इबरत की जगह है वहां ये लोग बदमाशी फैलाते हैं। कितने कब्रों के पास खड़े खड़े औलाद मांगते, जॉब मांगते, कितने वीजा मांगते, अरे यार कनाडा जाना है दे दे। मुश्किल कुशा कौन, हजत रवा कौन, अरे बोलो रिस्क देने वाला कौन, मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कौन, अल्लाह। और एक आखिरी बात, अगर कोई दियारे हबीब में जाता है, दियारे हरम में जाता है, वापस आ जाता है, लोग क्या कहते हैं, हाजी साहब बोलो ना, इतनी इज्जत बढ़ जाती है ना, इसका वैल्यू बढ़ जाता है। हाजी साहब ना कहो ना तो नाराज हो जाते। वो एक बंदा हज पढ़ के आया, पान चबा रहा था, किसी ने कहा अब्दुल लतीफ इधर आ, ला लो 6-6 लाख का बेड़ा गर्क कर दिया। हज से पहले भी अब्दुल लतीफ, बाद में भी अब्दुल लतीफ। अरे हजी कहते खुजली होती है, हज पढ़ के आओ क्या कहते हैं लोग, हाजी साहब, एक मकाम बन जाता है, लोग इज्जत वकार की निगाहों से देखते, ऊंची ऊंची मसनदों पे बिठाते, हाजी साहब है। दियारे हरम दियारे हबीब मेरे नबी के रोजे की जाली के सामने खड़ा हो के एक दफा दुरूद सलाम पढ़ के आ गया, इसका इतना बड़ा मकाम है, हाजी बन जाता है। जिन दो को मेरे नबी ने दाएं बाएं सुलाया है उनके मकाम का क्या हाल होगा। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। मोमिन है किसी को भी वो जुटलाया नहीं करते। जो लोग अबू बकर को नहीं मानते, मेरा तुम्हारा अकीदा है वो मोमिन है ही नहीं, बोलो जोर से बेशक। जो लोग उमर को नहीं मानते, मेरा तुम्हारा अकीदा है वो मोमिन है ही नहीं। मेरा नबी जिनको बगल में सुलाए हुए लोगों को उनसे शिकवा है, अगर तुम्हें शिकवा है तो जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो रोजे रसूल से अबू बकर और उमर की जात को निकाल के दिखाओ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सहाबाए कराम की जिंदगियों को पढ़ पढ़ कर इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। जो भाई अफ्रीका से आए हैं, यूनुस भाई मंगेरा, यूनुस भाई अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, अकीदतमंदी से मोहब्बत से बुलाया। अभी थोड़े ज़माने पहले वो एक क्राइम के शिकार हो गए थे, 3-4 गोलियां लगी हुई है, अल्लाह ने इनको बचा लिया, मुकद्दर में ज़िंदगी थी। हम सारे मिलकर दुआ करते अल्लाह उनको बड़ी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, मोहताजी के बगैर ईमान कुरान कलमे की सलामती के साथ अल्लाह उम्र दराज अता फरमाए, क्राइम से फितनों से अल्लाह ताला उनकी, इनके अहले खाना की, उनकी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्या से अल्लाह माला माल फरमाए, इनके घर में हाफिज कुरान आलिम दीन पैदा फरमाए। हमारे मुफ्ती अनवर साहब, मैं पहले तो इनसे माजिरत चाहूँगा, गणदेवी के प्रोग्राम में भी ये थे लेकिन
मैं इनको जानता नहीं था, मुझे आज पता चला ये जोगवाड़ा मदरसे में मुस्लिम शरीफ पढ़ाते हैं, बड़ी हदीस की किताबें पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला इनका साया पूरी दुनिया पर तादिर कायम दाइम रखे, आफियत सलामती वाली जिंदगी दे। मौलाना शफीक साहब, मौलाना मुफ्ती इलियास साहब, मुफ्ती इलियास साहब तो मेरे माशाल्लाह करीबी दोस्त होते, लेकिन मुसब अब आपके फोन नहीं आते पहले जैसे, कोई शिकायत है मेरे से? अल्लाह इनके उम्र दराज फरमाए, इनके इदारे को खूब तरक्की से माला माल फरमाए। फूल जैसे मासूम कितने तलबा आए हुए हैं, अल्लाह हम सबको इल्म का बांगपन अता फरमाए, इशात दीन के लिए अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। तज़ईए वक्त से, वक्त को ज़ाय करने से अल्लाह ताला मेरी और इन तमाम फूल जैसे बच्चों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.